राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। जी हां, 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी बीच भाजपा ने एक ऐसे नाम की घोषणा की जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई और फिर विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाया गया। इससे पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाकर सभी को चौंका दिया था और अब एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए भाजपा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया है। राजस्थान में नए सीएम सांगानेर सीट से विधायक बने भजनलाल शर्मा की बात करें तो भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार में ही वो सीएम बने हैं। आपको बता दें, मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। बताते चले, सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ है, ऐसे में भजनलाल शर्मा ने जीत दर्ज की। संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान का रण जीतने के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सीएम किसे चुना जाए, लेकिन सीएम पद की यह रेस अब थम गई। इस रेस में कई नाम चल रहे थे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था। वो पहले भी राजस्थान की कमान संभाल चुकी हैं। इसके अलावा राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए बाबा बालकनाथ के नाम की भी चर्चा थी। वहीं गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, दिया कुमारी और राजवर्धन राठौड़ जैसे नाम भी इस रेस में थे। गौरतलब है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से फैसला लेकर सबको चौंका दिया, उसे देखकर राजस्थान में बीजेपी के सभी 115 विधायकों की उम्मीद जग गई थी कि बंद लिफाफे में उनका नाम भी हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाजपा के इस निर्णय पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनता।